तो दोस्तों अभी हम आ रखे हैं कण आश्रम। तो आजकल और हम जा रहे हैं भारत में, तो मम्मी चाची हम तीनों जा रहे हैं। दोनों का मिलन होने से उत्तम गृहस्थ और संसार का उत्तम। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में, एक दिन के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों अभी का व्लॉग हो रहा है शाम के 6 बजने वाले होंगे और हमने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ है मिस्टर जी। हेलो। और अभी हम जा रहे हैं शाम को ऐसे ही घूमने, घर में मतलब टाइम पास नहीं होता, हमने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, ब्लॉग भी बना लेंगे तो दिखाएंगे आपको हम अगर घूमने गए तो कहीं। मतलब वैसे तो घूमने जा रहे हैं पर आपको कुछ अच्छी चीज़ लगे हमें दिखाने लायक तो आप बारिश करना चाहते हैं, मतलब अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों उधर से ना बारिश आ रही है, इधर पूरा बारिश वाला मौसम हो चुका है और इधर से किशनपुरी का रास्ता है दूसरा वाला, एक उधर से है एक इधर से है। तो अभी हम किशनपुरी जाएंगे पहले, है ना, पहले हम किशनपुरी जाएंगे फिर देखेंगे। कण आश्रम तो आजकल मोटरडांग वाला रास्ता बंद हो रखा है बारिश की वजह से और आजकल नदी को देख के बहुत डर लग रहा है, इसलिए हम ऊपर ही है। इधर घूमने के लिए आ गए बस ऐसे ही घर से। तो दोस्तों इधर से ना बहुत भयंकर वाला मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी और इधर बोर्ड लगे हैं कि मतलब शाम के टाइम ऐसे नदी के पास जाना मना है क्योंकि नदी का कोई पता नहीं रहता, कभी भी आ सकती है। मिस्टर जी बैठ रखे हैं, बाकी सब लोग इधर टहलने आते हैं शाम को गर्मियों के टाइम पे। तो पिछली बार हम बहुत बार आए थे, अब की बार अभी आए हैं हम, वो भी तब आ रहे हैं बारिश के टाइम पे वहाँ से। और ये देखो यहाँ आ रहा है पानी, इतना पानी, बाप रे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। गाड़ी में और इसलिए बैठी मैं क्योंकि बाहर मच्छर काट रहे हैं बहुत, तो मैंने सोचा गाड़ी में ही बैठ लेते हैं ना, नदी तो हमारे घर के बगल में भी है। अभी दूसरा दिन है और टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं भारत में, तो मम्मी चाची हम तीनों जा रहे हैं। तो अभी आधे रास्ते में हैं, फिर पहुंचेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चाची को, भागवत सुनने जा रहे हैं हम। सुंदर ये दृश्य, यहाँ पर शिव का अर्थ है विश्वास, पार्वती का अर्थ है श्रद्धा, दोनों में दोनों का मिलन होने से उत्तम गृहस्थ और संसार का उत्तम सुख प्राप्त होता है। वैष्णवाचार्य जी से मैं कहूंगा कि सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की तरंग पाल विमल नीर गाचे
लोचन के कहिया लाल चंदन की खोरी भाल कुमकुम सिंदूर गुलाल फूटी वीर बाजे अद्भुत अनुपम अतुलित वर वधु सकल विश्व में गौरी शिवा है अद्भुत अनुपम अतुलित वर वधु सकल विश्व में गौरी शिवा है स्वयं ही रचना स्वयं रचयिता सकल विश्व के गौरी शिवा है यज्ञ स्वरूप टाइम हो रहा है अभी 7 बजे रखे हैं शाम के तो अंधेरा हो गया है बाहर और आज शिव पार्वती की शादी हो गई तो आप लोगों ने देख ली होगी शिव पार्वती की झांकी तो आई होप दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर।